हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि NFC का जो है अभी एडमिट कार्ड आ चुका है और आने वाले कुछ दिनों में जो है इसका एग्ज़ामिनेशन भी होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मेरे से कमेंट कर रहे थे कि जो यूडीसी वाली पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क वाली, उसका किस प्रकार का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, लेवल 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लेवल 1 का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर गए हैं और लेवल 2 के लिए अभी जो है एलिजिबल हैं। तो ये दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है लेवल 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे। एटॉमिक एनर्जी का पेपर है, BRC का पेपर होगा, NFC भी दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो पेपर होता है एटॉमिक एनर्जी में UDC पोस्ट का, उसमें जो है दोस्तों आपको 3 घंटे का जो है समय दिया जाता है। और ये पेपर जो है दोस्तों सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव बोले तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है। मोस्टली जो है दोस्तों ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें दोस्तों ऐसे लेटर राइटिंग और यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो दिखाता हूँ किस प्रकार का पेपर पूछा गया था। ये पेपर दोस्तों BRC का है और सेम पैटर्न जो है यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। तो आप जो है इसको NFC के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, NPCIL के भी यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर बोर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, BRC के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, IGCAR की वैकेंसी के लिए भी ये पेपर जो है, जो UDC का पेपर है, वो हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि सबका पैटर्न जो दोस्तों सेम होता है। तो वीडियो पसंद आए जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों पेपर की ओर। सो दोस्तों, ये पेपर जो है आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये UDC का पेपर है लेवल 2 का, 100 मार्क्स का। यहाँ पे पार्ट ए में क्वेश्चन दोस्तों ऐसे लिखने को पूछा गया था वुमेन एम्पावरमेंट में, और दूसरा जो ऑप्शन था यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, जो 15 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे पहला जो ही क्वेश्चन जो है ऐसे लिखने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। देन दोस्तों अगला अगर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग के लिए आया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रिसाइज राइटिंग के लिए जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो प्रिसाइज राइटिंग में दोस्तों आपको करना क्या था उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रिसाइज राइटिंग में देखिए आपको इस प्रकार का जो है ये पूरा आर्टिकल टाइप का यहाँ पे दे दिया गया है। आपको इसको पढ़ के कम शब्दों में जो है एक प्रिसाइज राइटिंग लिखना था। इसका भी जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों 15 मार्क्स का जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इस प्रकार पहला यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे लिखने को आया था, दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे जो है प्रिसाइज राइटिंग लिखने के लिए आया था। तो 15-15, 30 मार्क्स का जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया, ये देख लीजिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रिसाइज मार्क्स था। अब दोस्तों जो तीसरा जो क्वेश्चंस पूछा गया था इसमें जो है लेटर राइटिंग पूछा गया था। लेटर राइटिंग किसको लिखना था, म्यूनसिपल अथॉरिटी को लिखना था, कि कंप्लेन करना था कि जो डंपिंग गार्बेज है आपके ओपन एरिया में है उसके लिए एक डस्टबिन रिक्वायरमेंट है, एक गार्बेजबिन रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए यहाँ पे लेटर आया था। ये 10 मार्क का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15-15, 30 और इसको मिला के ये 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे और भी क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए जो पार्ट बी का, अब ये जो है पार्ट बी है, तो पार्ट बी में दोस्तों इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन जो है आपको लिखना था, जैसे कि देख सकते हैं C2। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का क्वेश्चंस था, ऐसे जो है यहाँ पे जो पार्ट बी क्वेश्चंस हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन को यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये पैटर्न दोस्तों चेंज हो सकता है, इसी प्रकार के जो है पैटर्न जो है पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ के जाना है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एंटोनिम्स एनोनिम्स भी दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा दे रखा है जो आपको यहाँ पे करके जाना चाहिए। देन अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब पेपर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे अपोजिट मीनिंग वर्ड भी दिया गया है, इंट्रूडर, इन सब का। तो इस प्रकार जो है लगभग SSC का पैटर्न जो यहाँ पे पूछा जाता है पार्ट बी में। पार्ट ए जो है पूरा सब्जेक्टिव था, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको जो है ये सारी चीज़ें भी लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ग्रामर से जो है पूछा गया है। तो ये पेपर आप देख लीजिए, ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि दोस्तों ये BRC का, UDC का पेपर है, लेकिन यही पैटर्न मैं आपको फिर बता दूँ, हर एक पेपर चाहे NFC का पेपर ही क्यों ना दे रहे हो उसके लिए भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे पूछा गया, किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको शो कर रहे हैं। ये देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए जो यहाँ पे देख लीजिए,
ईडियम टाइप का एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो मतलब ईडियम एंड फ्रेजेस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको दोस्तों मैं एक बार एक समरी बताऊँ तो आपको करना क्या है, पार्ट बी के लिए यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट बी के लिए आपको करना क्या है कि आप जो SSC का एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, देन दोस्तों आपका अगर बात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सारे क्वेश्चंस जो है इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आप उन सब की तैयारी कर लीजिए, जो भी आपके पास समय है जितना जल्दी हो सके आप उन सबको तैयारी कर लेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें जो लेटर का फॉर्मेट होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव जैसे ये पेपर है तो इसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव जो आप स्टेप बाय स्टेप लेटर राइटिंग इस राइटिंग में जो फॉलो करते हैं वो जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे लेटर राइटिंग इस राइटिंग किस प्रकार लिखा जाता है उसके लिए भी प्रैक्टिस कर लेना है। और यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे अगर आप दिखाऊंगा पेपर तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप जो है स्क्रीन में आपके सामने पेपर चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ढेर सारा यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार जो है क्वेश्चंस यहाँ पे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस हैं जो वर्ड हैं उनको भी अरेंजमेंट करने के लिए आया हुआ है कि पहले वर्ड कौन सा आएगा और कौन सा क्या सही है। तो देख लीजिए इंग्लिश का जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको गेन करना पड़ेगा तब जाके आप यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जितना ज़्यादा आप मार्क्स गेन करेंगे, क्योंकि इसी के जो फाइनल जो स्टेज सेकंड है उसी के बेसिस पे जो है सिलेक्शन होता है, तो जितना ज़्यादा आप मार्क्स यहाँ पे गेन करते हैं उतना ही बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे रहता है। अब ये दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो है क्या पूछा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देख लीजिए द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज़, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है तब जाके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं, आशा करता हूँ दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और बाकी और भी एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए नई वैकेंसीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग।